मनी देता है 50 रुपए, इसमें 4 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता, बाकी का खर्चा पानी अपुन को इन भाई लोगों के पास से मिलता है। सच कहूं दीदी, 3 हफ्ता हो गया अपुन ने स्कूल बंक मार के हिंदी पिक्चर नहीं देखा है, इसी चक्कर में तो अपने छोटे संजय की प्रेम पिट गई। मींस तुम हर हफ्ते फिल्म देखती हो? हाँ, वरना इन गरीब हिंदी फिल्म वालों का क्या होगा? है? हिंदी फिल्म वाले कब से गरीब हो गए? मैंने तो सुना था कि वो करोड़ों में कमाते हैं। इसका मतलब है मेरी चारू जी भी गरीब हो जाएंगे। सीधा तवे पर से उतार कर लाइए। क्या हुआ, सरकार लुढ़क गई क्या? नहीं, पुलिस ने अपने एरिया को घेर लिया। पुलिस? हमारे यहाँ तो सब शरीफ लोग रहते हैं। ये शरीफ जितने बदमाश होते हैं ना, उतने बदमाश सब बदमाश भी नहीं होते हैं। हाँ, मगर छोटी पुलिस दिखने में कैसी है? तेरा बगैर टूट ही जाएगा, एक भी हैंडसम नहीं है, सारे काले काले। यानी सुनील शेट्टी ब्रांड। चल तू छोटी, तरह खबर पक्की है ना? 170%। तो आज कादर भाई के मटके के अड्डे पर जमकर मटके फूटेंगे। उन्हें उन लोगों को कहाँ देखा? मैं नाके पर खड़ी सुनील अंकल और वो बियर बार वाली लड़की पे नजर रख रही थी। अचानक 4 गाड़ी भर के वर्दी वाले आए, चुपचाप उतर के सारे एरिया में फैल गए। मामला बड़ा लगता है दोस्त, लगता है जमकर गोलीबारी होगी। सावन के महीने में दिवाली के फटाके फूटेंगे। बहन जी लोग, तुम लोग फटाफट अंदर जाओ, अपुन नीचे जाकर देखता है, और वो आनंद माथुर को नीचे मत आने देना, उसका पेट इतना बड़ा है कि गोली कहीं से भी छेद कर सकती है। कौन है बे? अरे बाप है बे। ओ डैड, आप कौन सी गोली की बात चल रही है? गोली? क्या डैड, दवाई का धंधा करते करते आपको सारा दिन गोलियां ही नजर आती है। आपको रात में भी कैप्सूल दिखती है क्या? देख बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरी माँ नहीं, समझी? तू क्या मुझे उल्लू समझ रही है? नहीं डैड, नहीं, हम आपको उल्लू कैसे समझ सकते हैं? अगर हम आपको उल्लू समझेंगे तो हम उल्लू के पट्टे बन जाएंगे। सुन लिया ना, अब अपन चलता है। डैड उसे मत जाने दो। क्यों? बाहर पुलिस ने रेड की है, ये उसे देखने जा रही है। अच्छा, तो चुप जा, बैठ जा वहाँ पे। डैड प्लीज, आप समझने का कोशिश करो, उन लोग को मेरा जरूरत पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, हमारी पुलिस हफ्ते खाने से लेकर डंडे खिलाने तक हर तरह से काबिल है। चुप जा, बैठ जा वहाँ पे, तब तक मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है। चुपचाप बैठ जाओ, शर्म भी आती? 5 लड़कियों के बाप होकर पुलिस के लफड़े में पड़ते हो? मेरा नहीं, कम से कम बिना के मांग का सिंदूर की तो फिक्र करो। ठीक है। सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है हम गलत जगह पर आ गए। चलो चलो, शट अप, हमें हर एक बिल्डिंग की तलाशी लेनी है। चलो चलो चलो। पूरी फोर्स को गली के बाहर छोड़कर हम क्यों अकेले मौत के मुंह में जा रहे हैं? सुना है उसके पास AK-56 है सर,
गोलियां तो वो पानी के फुहारे की तरह बरसा था। बिली प्लीज शट योर माउथ, तो खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। आपको मेरी प्रॉब्लम मालूम नहीं है सर, मैं मेरी बीबी का इकलौता पति हूँ। तो क्या लोगों की बीबी के दो चार पति होते हैं? क्या पता, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। नॉनसेंस। ओ साहब क्या बात है? कादर भाई कहाँ पे रहते हैं? यहाँ कोई कादर भाई नहीं रहते। थैंक गॉड। ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ तो एक ही भाई है, भाई का भाई काजल भाई। अच्छा अच्छा, तो फिर ये काजल भाई कहाँ पे रहते हैं? तीसरे माले पे लिफ्ट के सामने वाला दरवाजा। वो साहब कोई लफड़ा है क्या? मैंने सिर्फ उससे मिलना था। क्या बात है, बड़े बड़े स्टार वाले पुलिस भाई से मिलने आ रहे। लगता भाई बहुत जल्दी लंदन में बंगला बांध लेंगे। कैडबरी खाओगे? नहीं नहीं साहब, अपन रिश्वत नहीं लेते हैं। गुड गुड। वाह देखा सर, बच्चों में भाई लोगों के लिए कितना रिस्पेक्ट है। ये भाई लोग लंदन में बंगले ले रहे हैं और हमारे ग्राइंडर मिक्सर के बांधे। सर ऐसी कोई पार्टी पकड़ो ना जो हमें हफ्ते में ग्राइंडर मिक्सर दे। मेरी बीबी 3 महीने से मेरी जान खा रही है। शट अप। अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। हम यहाँ पे हफ्ता वसूल करने नहीं, एक खतरनाक शूटर को ढूंढने आए जिसका नाम है टकलिया और उसके सर के ऊपर 24 खून का इल्जाम है। अगर जरा भी गफलत हो गई ना तो 25वां नंबर हमारा होगा। हे भगवान। सर आज अगर हम जिंदे बच गए ना तो कल मैं रिजाइन ही करने वाला हूँ। मैं पुलिस में भर्ती हुआ ऊपर का माल खाने के लिए, ऊपर जाने के लिए नहीं। शट अप। चलो ऊपर चलते हैं। देखो रास्ते पे मत जाना, वहाँ पुलिस खड़ी है। लेकिन अरे क्या लेकिन डर? अभी तक तुम यही हो, गए नहीं? मैं जा ही रहा था लेकिन तुम्हारी सिंदूर की चिंता ने मुझे रोक लिया। मेरी सिंदूर की चिंता ने? अरे बाबा मेरी सिंदूर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास 3 डिबिया भर के सिंदूर है। अरे लेकिन जब मैं ही नहीं रहूंगा तो 3 डिबियों में भरा हो या खाली हो क्या फर्क पड़ता है? शुभ 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 बोलो। क्या जो मुंह में आता पकी जा रहे हो? कौन? इनकी जबान में तो हड्डी नहीं। दादी दादी आपने वो बिंदिया वाला किस्सा सुना है? कौन सा बिंदिया? गोस्वामी वाला? नहीं माथे की बिंदिया का। बता बता, ये तो तूने मुझे कभी बताया ही नहीं। एक औरत थी, वो अपने माथे पे ये मोटी मोटी बिंदिया लगाती थी। अचानक उसकी बिंदी की साइज छोटी होने लगी, दिन ब दिन छोटी होने लगी। किसी ने पूछा ये वजह क्या है, तो उसने कहा आजकल मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे बुद्धू इसे झूठ कहते हैं, हंसो। इसे कहते हैं ट्यूबलाइट। नहीं मम्मी, अभी स्वीटी आके खोलेगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि दरवाजा खोलना तो स्वीटी की हॉबी है। लगता है पिछले जन्म में वो गेट कीपर होगी। आती नहीं, आती नहीं है पर मगर। आती नहीं, आती नहीं, मुझे मालूम है तुझे कितनी बार कहा लेकिन तुझ में अक्ल आती नहीं, मुझे मालूम है। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ डैडी, तुझे कितनी बार बोला कि डोर होल में से देख और फिर दरवाजा खोल, कोई घुसेगा तो? कोई डोर होल में से कैसे घुस सकता है डैडी? चूहे जैसा। अरे इसमें से देख। हाँ डैडी। क्या हुआ? सामने तो सिर्फ एक आंख ही नजर आ रही है। तो क्या हाथ ही नजर आएगा? कोई अंदर होल में से देख नहीं रहा होगा? कोई आंख लड़ाने वाला शौकीन तो नहीं? बीना, बीना! सर जरा संभालिए, अगर उसने गोली चला दी और आपकी एक दुकान बंद हो गई ना तो आपका नाम एसीपी कात्रे में से एसीपी कारे हो जाएगा। और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए, तुम्हें इंस्पेक्टर लेने से इंस्पेक्टर लूला नहीं बनवा दिया ना तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। अरे सर मूंछें तो मुझे भी अपनी मुंडवानी है, लेकिन मेरी बीबी कहती है कि अगर मैंने मूंछें मुंडवा ली तो वो अपना सर मुंडवा लेगी। आप ही बताइए साहब, आप ही बताइए, गंजी बीबी कौन बर्दाश्त कर सकता है? ले ले, विल यू प्लीज शट योर माउथ। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कौन सा मेहमान है जो दरवाजा तोड़ कर आना चाहता है? जरूर तुम्हारे मैके से कोई आया होगा। डैड राड़े का मामला लगता है, अपुन देखता है। डोंट वरी डैड। ए चिकनी तू जाना हट। ए कौन है वे साला बाप का राजे जो दरवाजा तोड़ेगा? मैं एक बार फिर से कहता हूँ, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। हाथ लगा कर तो दे, कान पकड़ कर रंधानी मर रहा है तो अपुन का नाम ही काजल भाई नहीं। ये भाई की आवाज तो बड़ी पतली है। लेकिन देखना है कि उसकी धमकी में कितना दम है।
ले ले, टेक योर पोजीशन। यस सर। 1 2 3 की तलाशी लो, ले ले। यस सर। फॉलो मी। यस सर। भाई साहब क्या हो रहा है? कौन है तुम? क्या नाम है तेरा? नाम क्या थी? बोलता क्यों नहीं क्या नाम है तेरा? हिलने की कोशिश मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा। ठीक है, चले जाओ। मना क्या ना हिलने का, फिर क्यों इतना है कर हिलता है? ये हिल नहीं रहे, कांप रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे दिखता नहीं क्या, पुलिस की रेड हुई है। रेड? मुबारक हो स्वीटी, हमारे घर में पुलिस की रेड हुई है, अब हमारा नाम अखबार में भी छपेगा। अच्छा, मैं एक खुशखबरी अभी मीनाक्षी दीदी को सुना के आती हूँ। अंदर तो इस लड़की के अलावा कोई नहीं। नानी, नानी। अरे सर ये क्या, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनके पास दो दो AK-56 है, इसके पास तो मामूली सी छुरी है। सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, आप इस घर में क्या तलाश करने आए हैं? टकलिया भाई को। चुपिट, बाल वाले के घर में कभी कोई टकला होता है क्या? चल। चलो चलो बताओ, टकला को कहाँ छुपा रखा है बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लगता है आपको गलत फहमी हुई है, हमारे घर में टकलिया भी नहीं है और बारकिया भी नहीं है। यानी तुम लोग बारकिया को भी जानते हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है, ये बंद करे तो कोई जबान खोलूंगा ना। अच्छा बताओ कहाँ है टकलिया? आपको टकलिया चाहिए? थोड़ी देर रुकिए, मैं 10 मिनट में टकला करा के आता हूँ। मजाक मत करना क्या? नहीं नहीं, हमें पक्की खबर मिली है कि दुबई से आया हुआ टकलिया शूटर आपके यहाँ ठहरा हुआ है। अरे हमारी इतनी किस्मत कहाँ कि दुबई से आया हुआ आदमी हमारे यहाँ ठहरे। हमारे यहाँ तो नई बम्बई से भी कोई नहीं आता। अच्छा, तो तुम लोग टकलिया को ढूंढते अपुन के घर में घुसा है? चलो बाहर निकलो वरना सबके बेल्ट उधर जाएंगे। वॉट शॉर्ट नहीं करने का, तुमको मालूम नहीं अपना कॉन्टेक्ट कहाँ तक है। तुम लोग फटाफट बाहर निकलो वरना अपुन तुम लोग का कम्प्लेन कर देगा। तुम लोग को मालूम नहीं है जवान लड़कियों के घर में बिना इजाजत घुसने का सजा क्या है? सर, ये गुंडे लोग तो कानून की जबान बोलने लग गए। यस, आपके पास हमारे घर की तलाशी लेने का वारंट है? नहीं ना, तो फिर हम आपकी कंप्लेन करेंगे कि हवलदार लोगों ने हमारे घर में घुसकर लूट की है। इससे अच्छा इन पर हम इज्जत लूटने का इल्जाम लगाएं तो? मेरी माँ, तुम मेरी इज्जत क्यों लुटा रही है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमारे यहाँ टकला वकला कोई नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी सेल्समैन हूँ, दवाई बेचने वाला, चाहिए तो सिर दर्द के 4 गोलियां मुफ्त दे सकता हूँ, 4 गोलियां। टॉनिक के सिंपल मिलेंगे? ले ले। मेरी वाइफ को आजकल टॉनिक की बहुत जरूरत है। अच्छा तो तुम गोलियां बेचते हो? यस सर। यस यस। तो फिर मैंड्रेक्स की गोलियां भी बेचते होंगे? मैंड्रेक्स की गोलियां हमारी कंपनी में नहीं बनती। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंड्रेक्स माथुर, आनंद मैंड्रेक्स, एंड्रेक्स मैंड्रू, मैंड्रू आनंद माथुर। हाँ सही कहा, माथंद आनंद। आपका नाम क्या है? ACP कात्रे। पुलिस का नाम कात्रे? लेकिन कालचक्र फिल्म में तो विलन का नाम कात्रे था। मिस्टर माथुर, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ। देखिए ना, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना, जाहिर है 2 नंबर का धंधा करना ही पड़ता है। बता टकले कहाँ है? साहब मैं तो सिर्फ 3 टकलों को जानता हूँ, एक अमरीश पुरी, एक अनुपम खेर और एक राकेश रोशन, लेकिन तीनों का पता मुझे मालूम नहीं है। और थोड़ी देर आप ठहरेंगे यहाँ तो 4th टकला भी मिल जाएगा। मैं, मेरे बाल मिल जाएंगे ना अपने आप। झूठ मत बोलिए डैडी, बड़ी नानी भी तो टकली है, आप उनको नहीं जानते क्या? दूध लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, एक बार पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। हा? वहाँ बर्फ के बिस्तर पर सोएगा ना तो सब अपने आप पता चल जाएगा। बर्फ का बिस्तर? वो तो बहुत ठंडा होता होगा, उस पर सोने के बाद 4-5 कंबल ओढ़ने पड़ते होंगे, है ना? और ऐसा ठंडा कि बड़े बड़ों का उबलता हुआ खून ठंडा हो जाता है। अरे जाओ जाओ, हमारे डैडी को हाथ तो लगा के देखो, 5,000 महिलाओं का मोर्चा तुम्हारे पुलिस स्टेशन के आगे खड़ा कर दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दिनों से हमारे महिलाओं का मोर्चा ही नहीं आया है, पुलिस वाले बहुत निराश हो गए हैं। देखो 3-4 अच्छे थोबड़े भी ला रहा। सर आपको याद है? याद है आपको लास्ट टाइम बीयर बार की गर्ल्स का मोर्चा आया था? आय हाय, क्या हरियाली थी। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। यस सर। छोड़ दीजिए, अब तो ये हवालात की हवा खाकर ही छूटेंगे। वाह, डैड के हाथों में हथकड़ी बिल्कुल अमिताभ के हाथों की तरह नचती है। यस सर। डोंट वरी डैड,
आपका नाम दुनिया के हर अखबार में छुपाने का काम हम करेंगे। चलो डायलॉग मारिए ना। दुनिया की किसी देर में इतनी ताकत नहीं कि आनंद माथुर को कैद कर सके। सोच लो ये गिरफ्तारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सोचना आता तो पुलिस में भर्ती नहीं होते ना। माजल भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। देखो मेरे बॉस को खबर करना। तो दुबई की धमकी देता है सर। सब पता चल जाएगा। चलो चलो मैं किससे लड़ूंगी। ये तो दादी को सचमुच ले गए मम्मा। मुझे लगता है हमें फंसाने के लिए किसी दुश्मन ने गहरी चाल चली है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को खबर करनी चाहिए ताकि जब दादी जेल से निकले हजारों लोग उनका स्वागत करने आए। और फिर सारे नारे लगाएंगे आनंद माथुर अमर रहे। चुपट जिंदा आदमी को अमर कह रही है। मीनाक्षी दीदी तो जल्दी अपने महिला मुक्ति मोर्चा को कांटेक्ट कर। मैं अपने एरिया के सारे भाइयों को मिलकर कुछ करता हूँ। डोंट वरी मॉम, मैं तेरे सुहाग को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। भगवान तेरी मदद करे। सच सच बताओ तुम्हारा टकलिया के साथ क्या रिश्ता है। जो बालों का सर पे न होने से होता है इतना। मैं उसे पहचानता नहीं तो रिश्ता कहां से आया। चल सर ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी धुलाई करते हैं। धुलाई नहीं नहीं धुलाई करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सुबह नहा कर आया हूँ। जल्दी उठाऊ ना मैं। सर सर आप मुझे हुक्म करिए। वैसे भी बहुत दिनों से मेरी बीवी की किसी पर खुन्नस नहीं निकाली। ऐसे भी कातरे यार। व्हाट सर? यस यस सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। प्लीज 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 सर प्लीज। ओके ओके सर ओके। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हो गया? आपका मुंह क्यों फटे दूध की रबड़ी जैसा हो गया है? टकलिया क्राइम ब्रांच के हाथों में लग चुका है। वो कादर भाई के घर पे ही था। हे भगवान, तो हमारे हाथों क्यों नहीं लगा? लगता है उस लड़के ने हमको गलत एड्रेस बता दिया है। अरे ये तो अपने कमिश्नर साहब के दोस्त पोपट लाल के ईमानदार मुलाजिम है और इनको छुड़ाने के लिए अब तक तो दर्जन फोन पहुंच चुके। सॉरी सर, I'm extremely sorry सर। I am तो वेरी वेरी सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। लेकिन लेकिन किसी ने बताया था कि भाई का घर यही है? मैं यही तो सोच रहा था। आनंद माथुर और कादर भाई दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? काजल भाई। हाँ हाँ काजल भाई। लेकिन कौन है जिसके हाथ मिनिस्टर तक पहुंचे हुए? वो मेरी महान बेटी है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी टोपी वाली छोकरी। वही 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 टोपी वाली छोकरी। उसकी टोपी की वजह से मुझे आज हथकड़ी पहननी पड़ी। जाकर उसकी टोपी उतारनी पड़ी। मम्मा इन्हें मार खाने की आदत नहीं है। मम्मा फिकर मत करो, डैडी का दिमाग बहुत अच्छा है, वो मार खाना भी सीख जाएंगे। मॉम प्लीज तू चिंता मत कर। अबू ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तेरे पति परमेश्वर को कोई उंगली तक लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे उल्टा माफी मांग कर छोड़ देंगे। हाँ, कोई आया मैं देखती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वाह क्या इमोशनल सीन है। डैडी आपको पुलिस ने कितना मारा? अरे यार किसी का हिम्मत है जो काजल भाई के बाप को हाथ लगाएगा। भाई अगर आज के बाद ये शब्द तूने अपने नाम के पीछे लगाया तो मैं घर से हटा दूंगा। नहीं उसे डांटना नहीं। तुम झूठ कर आए हो ना उसी की मेहरबानी से। और पकड़ा गया वो भी उसी की मेहरबानी से। फिर पुलिस का लफड़ा।